मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। कल तूफान ने आखिरकार रात के समय दस्तक दी है और ये काफी ज्यादा इंटेंस था और जो हवाएं थी 125 किलोमीटर प्रति घंटा तक रही और जिससे कि कई पेड़ उखड़े और कई कच्चे मकानों को नुकसान हुआ और पानी का जलभराव कई इलाकों में देखने को मिला। और खुशकिस्मती ये रही कि कोई ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिला, खास करके जो जान का नुकसान है वो नहीं देखने को मिला है अभी तक। अभी खैर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इससे आगे पता लगेगा कि कोई हताहत हुआ है कि नहीं। लेकिन हम यही दुआ करते हैं, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सब सुरक्षित रहें और सबका जो सामान है, जो जरूरी सामान है, वो सुरक्षित रहे। और इस समय ये एज अ डीप डिप्रेशन, क्योंकि साइक्लोन था, ये आगे बढ़ा और ये एज अ डीप डिप्रेशन अभी जो कच्छ के उत्तरी भागों में ये बना हुआ है और ये बहुत जल्दी ही पाकिस्तान के जो साउथ सिंध है वहाँ पर चला जाएगा और उसके बाद ये आज शाम तक डिप्रेशन के रूप में ये राजस्थान के ऊपर दिखाई देगा। पिछले 24 घंटों में जो बारिश की गतिविधियां थी वो बहुत ज़्यादा हुई। भुज में 103 मिलीमीटर की बारिश हुई और उसी तरह से द्वारका में, भुज में 113, द्वारका में 103 और ओखा में 80 मिलीमीटर जो सुबह 5:30 बजे तक का जो डेटा है वो ये है। और कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई और ये जो बदिन है और कराची है, हैदराबाद है, नवाबशाह है, जो साउथ सिंध के प्रांत थे उसमें बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। वहाँ पर हल्की बारिश ही हुई है और बाकी इलाकों में इस समय राजकोट वगैरह में और कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ जारी हैं। अब ये जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, जो दक्षिणी राजस्थान है वहाँ पर देखने को मिलेगी और राजस्थान के ज़्यादातर जो दक्षिणी इलाके हैं, खास करके जैसलमेर से लेकर के जोधपुर, सिरोही, पाली, नागौर, बाड़मेर, ये सारे इलाके काफ़ी तेज़ बारिश देखेंगे और मूसलाधार बारिश हो सकती है। हवाओं की रफ्तार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो सकती है, 70 से 80 किलोमीटर, यानी कि नुकसान की आशंका यहाँ पर बनी हुई है। और उसी तरह से अहमदाबाद वगैरह में भी 70 किलोमीटर तक की हवाएं देखने को मिली। और क्या होता है कि ये जो विंड स्पीड काफ़ी ज़्यादा जब होती है तो आप देखिए, ये गल्फ ऑफ खंबाट है और ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ये जो दो इलाके हैं यहाँ पर समुद्र अंदर है और यहाँ पर बहुत ऊंची लहरें उठती हैं, तो उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर भी नुकसान की आशंका काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अभी खतरा पूरी तरह से नहीं टला है। हवाएं अभी अगले 24 घंटों तक जो पूरे सौराष्ट्र कच्छ के साथ साथ जो उत्तरी महाराष्ट्र है यहाँ के तटों पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहेंगी और उसी तरह समुद्र भी काफ़ी ज़्यादा उग्र बना रहेगा। हालांकि 24 घंटे के बाद जो मुंबई, थाने, दहानू और सूरत, बलसाड़ और अमरेली है और भावनगर है, इस इलाके में थोड़ा सा जो लहरें हैं वो शांत होने लग जाएंगी, लेकिन जो साउथ सिंध है और कच्छ का इलाका है, यानी कि आप कह सकते हैं गिर सोमनाथ से लेकर के पोरबंदर और ओखा, द्वारका, मोरबी, जामनगर और कांडला, ये सारे जो इलाके हैं, गांधीधाम से लेकर के जो पूरा जो मांडवी है और जकाऊ है, नलिया है, इस इलाके में अभी भी समुद्र उग्र रहेगा कम से कम 36 घंटों तक। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर राहत मिलने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए तो इसका जो रूट है वो आप देख सकते हैं कि अब ये आगे की तरफ जाएगा और ये इस तरह से यहाँ पर एज ए डीप डिप्रेशन रहेगा और आगे जा करके, यानी कि आज शाम तक ही या रात तक ये जो राजस्थान के कई और इलाकों को कवर कर लेगा, जैसे कि जयपुर, अजमेर और उसके आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर चुरू, बीकानेर, इन सारे इलाकों में भी बारिश है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन अजमेर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर और अलवर, इन इलाकों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, ये कल तक होगी। और जो कोटा संभाग है, जैसे कोटा है, बूंदी है, भीलवाड़ा है और बारा, ये सारे जो इलाके हैं, टोंक वगैरह, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ हमें नज़र आ रही हैं। और जो गुजरात के बाकी इलाके हैं, यानी कि ये जो इलाके हैं जो जहाँ पर हमने बताया, इन इलाकों में तो बारिश की गतिविधियाँ अभी भी जारी हैं, लेकिन जो एकदम ये मध्य प्रदेश से और जो महाराष्ट्र से सटे हुए इलाके हैं, यहाँ पर जैसे कि सूरत, वलसाड़ जो हो गया, यहाँ पर तो बारिश की गतिविधियाँ हल्की रहेंगी, लेकिन जो पंच डांग है, पंचमहल है और उसके आसपास के इलाके हैं, अहमदाबाद, बड़ौदा, गांधीनगर और महेसाना, पाटन, ये सारे इलाकों में हल्की बारिश ही देखने को मिलेगी। एक दो इंटेंस स्पेल, शॉर्ट इंटेंस स्पेल हो सकता है। तो कुल मिलाकर के इसका जो रूट है वो आपको मैं बता दूं कि वो इस तरह से जाएगा और यहाँ पर दिल्ली के दक्षिण में जा करके ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और इसका जो है वो उत्तराखंड और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ तक इसका असर देखने को मिलेगा। तो
ये 17 और 18 तारीख को राजस्थान के कई इलाके बारिश देखेंगे। 18 तारीख होते होते या 17 की रात से जो दिल्ली है और उसके पास जो दक्षिणी दक्षिण पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, जैसे कि आप झांसी से मान के चलिए, झांसी से लेकर के जो एटा है, मैनपुरी है, आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, ये सारे इलाके काफ़ी तेज़ बारिश देखेंगे। फिरोजाबाद वगैरह ये सब है जो टूंडला वगैरह, इन इलाकों में भी तेज़ बारिश की संभावना नज़र आ रही है। और मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इन इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। दिल्ली में भी कई इलाकों में तेज़ बारिश होने की संभावना 18 से 20 के बीच में है। और दक्षिणी हरियाणा के भी कई इलाके बारिश देखेंगे। और एक कॉम्बिनेशन है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, आप देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर बना हुआ है और ये जो लो प्रेशर एरिया, ये सारा जो इसका मिला जुला असर है, ये सारे इलाकों में देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो जो वेदर एक्टिविटी है वो इसलिए होगी कि एक तो यहाँ से ये हवाएं आएंगी, इस तरह से ये जो नमी वाली हवा है यहाँ से आएंगी, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो असर होगा और ये इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इन सब के प्रभाव से ये पूरा इलाका जो है वो बारिश देखेगा और काफ़ी तेज़ बारिश देखेगा। और कुछ हिस्सों पर ओले भी गिर सकते हैं, अभी भी तेज़ हवाएं चल सकती हैं, आंधी भी आ सकती है। यानी कि अब जो गर्मी है उससे राहत राजस्थान के कई इलाकों को मिलेगी, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों को जो गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो आपका पहाड़ों पर ही दिखाई देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, लेकिन ये ज़रूर मदद करेगा कि जब कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है तो नीचे वाले सिस्टम को वो पुल करता है। और ऑलरेडी ये जो सिस्टम है, यानी कि डीप डिप्रेशन, डिप्रेशन, फिर वेलमा ग्लो और लो प्रेशर एरिया बनकर जब ये उत्तर दिशा में आएगा तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसको खींचने में मदद करेगा। इसीलिए उत्तर भारत में उत्तराखंड तक तेज़ बारिश होगी, उत्तराखंड के भी कई इलाकों में 19-20 तारीख को तेज़ बारिश की संभावना नज़र आ रही है। और ये जो सारी वेदर एक्टिविटी होंगी जो गर्मी को कम करेंगी, उनका प्रभाव ये देखने को मिलेगा कि जो मानसून है, अब क्या होगा कि जो मानसून है, हमने देखा था कि जब तक कोई इस तरह का वेदर सिस्टम यहाँ पर बना रहता है तो उसी के आसपास हवाएं घूमती हैं, तो ये जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं जो आनी चाहिए जो मानसून को लेकर के आती है, वो थोड़ी सी कमज़ोर बनी हुई थी, मानसून सर्ज कमज़ोर थी। लेकिन जैसे ही ये वेदर सिस्टम आपका हटा, ये ऊपर की तरफ इधर पर जैसे ही आ जाएगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर आया और ये जो हवाएं हैं बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी। तो अब केरल में, कर्नाटक में, तो दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, रायलसीमा और तेलंगाना के जो कई इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गति जब बढ़ेंगी और मानसून यहाँ पर आगे बढ़ेगा। और एक और जो डेवलपमेंट है, ये जो ट्रफ आप देख रहे हैं, इसके प्रभाव से यहाँ पर ये हवाएं बहुत तेज़ी से आ रही हैं, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में अब बारिश की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, खास करके असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होगी। सिक्किम में भी तेज़ बारिश होगी। और ये जो मानसून है वो इस तरह से जब टर्न लेगा यहाँ से, और यहाँ से भी जो नमी वाली हवाएं आएंगी, तो ये मानसून को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। अब जो मानसून है वो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुँच सकता है, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक। इसका अंदाज़ा लग रहा है कि ये अगले 2-3 दिनों के अंदर इतना ज़्यादा वो डेवलप करेगा, यानी आगे बढ़ेगा। उसका कारण यही है कि जो वेदर सिस्टम बने हुए थे, जो उसको रोके हुए थे, वो हट गए हैं। अब ये मानसून की राह आसान हो गई है, तो अब हम कह सकते हैं कि अगले 2-3 दिनों के दौरान, यानी 18 से लेकर के 20-21 तारीख के बीच में जो मानसून है वो प्रगति करेगा। और देर से ही सही, लेकिन यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ का इंतजार हो रहा था, खास करके बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में, तो बारिश की गतिविधियाँ अभी भी जारी हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोस्टल एरियाज में है, धीरे धीरे वो बढ़ेंगे। तो ये सारा इलाका बारिश अच्छी देखने वाला है, ये पूरा इलाका। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली और हरियाणा, ये जो इलाके हैं, ये इसी वेदर सिस्टम के कारण बारिश देख रहे हैं। और जब ये वेदर सिस्टम कमज़ोर पड़ जाएगा 20-21 तारीख के बाद, तो बारिश यहाँ पर रुक जाएगी। लेकिन फिर क्योंकि धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ने का शुरू हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा लंबा सूखा यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। मंथ के एंड में जाकर या जुलाई के शुरुआती दौर में बारिश की गतिविधियाँ इस इलाके में बढ़ेंगी और मानसून आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर पैची रेन ही होगी, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा नहीं होने वाली हैं। और सबसे ज़्यादा जो चिंता का विषय है वो ये है कि जब ये जो साइक्लोन है कमज़ोर पड़कर ऊपर चला जाएगा, तो ये जो पूरे इलाके हैं दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ पूरा गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ये पूरे इलाके जो हैं वो पूरी तरह शुष्क हो जाएंगे, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ ना के बराबर हो जाएंगी। और ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है, यानी कि पूरा पाकिस्तान से मान के चलिए, यहाँ से लेकर के अगर हम लाइन खींचते हैं तो ये पूरा इलाका जो है वो काफ़ी ज़्यादा शुष्क रहेगा, ये पूरा इलाका, और इस इलाके को काफ़ी ज़्यादा चिंता रहेगी। और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भी मान के चलिए कि ये सारे इलाके में जो है गर्मी और सूखा अगले 10 दिनों तक देखने को मिलेगा। हालांकि बारिश शुरू हो जाएगी मंथ के एंड में, लेकिन बहुत ज़्यादा झमाझम बारिश नहीं होगी। तो यहाँ के किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि अभी
जो बारिश है उसका फायदा उठाएं, लेकिन उसके बाद आप अपना कम से कम 10 से 12 दिन का इंतजाम रखें जो पानी आप खेतों में लगा पाएं, नहीं तो फसल सूख सकती है। उसके बाद ही जाकर के मानसून एक्टिव होगा। और इस बार जैसे कि हमने बताया था कि जो जून के महीने में बारिश अच्छी होने वाली थी, लेकिन ये जो वेदर सिस्टम बना इसने पूरा मॉइस्चर अपनी तरफ खींच लिया, इसीलिए ये बारिश की गतिविधियाँ कम हो गई। अब धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी और इसके साथ जो आगे जो प्रेडिक्शन है उसके पूरे प्रेडिक्शन के साथ कि ये सिस्टम किस तरह से अपना रुख करेगा, मैं नया वीडियो बनाऊंगा और वो थोड़ी देर में शाम के आसपास लोड करूंगा। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए इतना है। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।